हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पैसे ही पैसे, मजे ही मजे, रिश्ते ही रिश्ते, किताबें ही किताबें, खाना ही खाना, पानी ही पानी। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज है, नथिंग बट। जी हाँ, नथिंग बट का यूज करते हुए हम बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सेंटेंसेस में, मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, I have nothing but money. तुम्हारे पास तो मजे ही मजे हैं, You have nothing but fun. उसके पास किताबें ही किताबें हैं, He has nothing but books. तो देखिए इस तरह से हम nothing but का यूज करते हुए sentences बना सकते हैं। अब एक और बात, आग लगाना। आग लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आग लगाने को इंग्लिश में कहते हैं set on fire. Set on fire. For example, I will set Your shop on fire. I will set your shop on fire. मैं तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगी. I will set your school on fire. मैं तुम्हारे स्कूल में आग लगा दूंगी. I will set your building on fire. मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगा दूंगी. तो set on fire का यूज कब होता है? जब हम आग लगाने के सेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं. नेक्स्ट, आग लगना. आग लगना, आग लगने को इंग्लिश में कहते हैं कैच द फायर. कैच द फायर. द शॉप कॉट द फायर. दुकान में आग लग गई. दुकान में आग लग गई. द शॉप कॉट द फायर. यहां पे क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट का यूज किया है. द शॉप कॉट द फायर. नेक्स्ट, आग बुझाना. आग बुझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंग्विश. Extinguish. तो कैसे इसको बोलेंगे हम? He did not extinguish the fire. He did not extinguish the fire. Thank you so much.